सर, मैं आपके पेपर और फाइल्स ठीक कर रही थी, एक कबर्ड में ये बंद लिफाफा मिला। बंद लिफाफा? जी हाँ, मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये यहाँ आया कैसे, इसलिए कि इस पर आपका नाम नहीं है। फिर किसका नाम है? इस पे तो सिर्फ शीतल साहनी लिखा है। शीतल, तुम्हें मजबूरन यह खत लिख रहा हूं। शीतल, जिन दिनों हम एक दूसरे के करीब आ रहे थे, ये बात न मैं जानता था और न तुम कि रवि तुम्हें कितना और किस हद तक जाने लगा है। यकीन करो, मुझे उसके जज्बात का हल्का सा भी अंदाजा होता तो मैं इस रास्ते पर एक कदम भी आगे बढ़ना अपने लिए पाप समझता। मैं अपनी मोहब्बत का गला घोंट सकता हूं, मगर इतना बड़ा दुख अपने दोस्त को नहीं दे सकता। एहसान करो कि मुझ पर रवि के साथ शादी कर लो। विजय, सॉरी विजय, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना। रवि, मैं आ गई हूं तुम्हारी शर्त पूरी करने। आज की रात में यहीं गुजारूंगी। ये जहर मैं सुबह होने से पहले नहीं पीऊंगी। नहीं 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 शीतल, नहीं, मुझे माफ कर दो। मैंने विजय को गलत समझा, मैंने तुम्हें गलत समझा, मैंने विजय की दोस्ती को गलत समझा, मैंने सबको गलत समझा। रवि। हाँ शीतल, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे दोस्त के पास ले चलो। कहाँ होगा मेरा दोस्त? रवि। हेलो विजय। विजय, रवि तुमसे मिलना चाहता है। मुझसे? देखो शीतल, आज अदालत में रवि ने जो किया वो क्यों किया मैं तो समझ नहीं सका। बाद में तुमसे भी मुलाकात नहीं हो सकी, तो मैं भी उससे। देखो ये बातें बाद में भी हो सकती हैं, इस वक्त सिर्फ इतना सुनो कि वो खत जो तुमने मुझे लिखा था मुझ तक तो कभी नहीं पहुंचा, लेकिन आज रवि को मिल गया। वो बहुत शर्मिंदा है विजय, वो तुमसे बात करना चाहता है। कहाँ है? यही है मेरे पास, लो बात करो। रवि देखो, जब दिल में दुश्मनी नहीं रही तो फिर शर्मिंदगी क्यों, बात कर लो। हेलो रवि। कैसे यार? मैं बहुत बुरा हूं विजय। छोड़ यार, ऐसी पागलपन की बातें नहीं करते, हो जाता मैं तेरी जगह होता ना तो शायद मैं भी। नहीं विजय, तुम ऐसा कभी नहीं करते। देख देख, तुम्हें बात सुना, मैं आ रहा हूं, मैं अभी आता हूं। रवि साहब,
आप हमारे साथ चल रहे हैं। क्या चाहते हो? आज आप पर दागा साहब की अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। कहिए रवि कपूर साहब, द ग्रेट क्रिमिनल लॉयर, कैसे मिजाज है आपके? काम की बात करो डागा। अच्छा, टू द पॉइंट, गुड। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि विजय हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, फिर भी आपने इस लड़की को खुश करने के लिए इंस्पेक्टर विजय को बचा लिया, और इतना भी नहीं सोचा कि हम कितने नाराज होंगे। ये बहुत बड़ी भूल की है आपने भाई, इसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। क्यों सिल्विया? अरे अरे अरे, इतनी जल्दी जख्मी होने की क्या जरूरत है? अभी तो आपने बहुत मार खानी है दागा। तुम्हें मुझसे बदला लेना है ठीक है, लेकिन शीतल से तुम्हें क्या मतलब? उसे जाने दो। इन्हें जाने दो? यू आर बीइंग वेरी स्टूपिड। नहीं नहीं रवि साहब, इन्हें कैसे जाने दो? पहली बात तो यह है कि अगर ये यहां से गई तो सीधी पुलिस स्टेशन जाएगी, और फिर दूसरी बात यह है कि इन्हें कहीं जाने की जरूरत ही क्या है। आ जाने दीजिए उस बेचारे को। दागा मैं आ गया हूं। शाबाश, अपने आदमियों से कह दो जैसे हैं वैसे ही रहें। अगर किसी ने उंगली भी हिलाने की कोशिश की तो मुझे कुछ होने से पहले यह गोली तुम्हें खत्म कर चुकी होगी।